ओम ध्वनि अपने आप में ही एक विज्ञान है। वैज्ञानिक भी ये मान ओम के उच्चारण मात्र से शरीर की कई बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। ओम उच्चारण से शरीर के कई हिस्सों में सकारात्मक परिणामों का अनुभव किया गया है। आज हम इस वीडियो में इसके लाभ और इसका करने का सही तरीके के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस को आप देख सकें। रिसर्च में ये पाया गया है कि ओम के उच्चारण से कई छोटी बड़ी बीमारियों से निजात मिल सकती है। ओम के उच्चारण से मस्तिष्क में ध्वनि कंपन होता है और बहुत सारी बीमारियों से इससे लड़ने में सहायता मिलती है। उनमें से है थायराइड, हाई बीपी, स्लीप डिसऑर्डर, माइग्रेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, मानसिक संतुलन, याददाश्त, एकाग्रता। के उच्चारण अभ्यास के लिए आप पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं, कंधों को रिलैक्स कर लें। कोशिश ये करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। अगर यदि ये करने में सक्षम नहीं है तो आप अपने बटक के नीचे एक पतला तकिया रख लें, ताकि आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रख सकें। ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और आंखों को बंद कर लें। दरअसल ओम तीन शब्दों से मिलके बना है, ओ उ म। तो आप ओ का उच्चारण थोड़ा छोटा करें, उससे दो गुना उच्चारण ऊ का करें और ऊ के दो गुने उच्चारण को म को करें। म का उच्चारण करते समय आपका मुंह और दांत बंद रहने चाहिए और सांसों को लेंगे, दो बार लंबी और गहरी सांस लेंगे और तीसरी बार लंबी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएं। ये प्रक्रिया कम से कम 3 से 5 मिनट तक करें। आप 5